ठीक है, तो आज हम स्पेशली आपके लिए इधर आए हमें बिस्किट का रिव्यू करने वाले। फर्स्ट टाइम आप सोचोगे कि ये है, ये बिस्किट का रिव्यू नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का रिव्यू जो आता है नेस्ले ब्रांड की तरफ से आने वाला किट कैट रिच चॉको कोटेड वेफर। ठीक है, तो आता है वेफर की तरह, इसको बोलते हैं बिस्किट बोल सकते हैं पर ये वेफर की कैटेगरी में आता है। जो भी सोचते हैं कि ये वेफर कैटेगरी नहीं, एक्चुअली है गाइस, क्योंकि एक्चुअली इसमें लेयर्स आते हैं मिडल में। ठीक है, एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि कौन सा क्या इसका क्या है, इसका है गाइस ठीक है चॉकलेट वेफर, चॉकलेट वेफर, चॉकलेट वेफर, चॉकलेट। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये चॉकलेट है पर ये वेफर है गाइस, एक्चुअली बोलते देख रहे तो बोलते एक्चुअली इसमें फ्लेवर चॉकलेट है गाइस ठीक है, मानते हैं तो प्योरली वेफर है जिसका नाम दिया हुआ किटकैट करके, जैसे नेस्ले ब्रांड तरह साला किटकैट चेरी चॉकलेट कोटेड वेफर वेफर। एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे अरे चॉकलेट बिल्कुल ये प्योर चॉकलेट है, फ्लेवर है गाइस ठीक है, एक्चुअली समझना है तो ये इसका फ्लेवर है, जैसे आपको इसमें लेयर्स जो मिलते हैं ना वो आते हैं वेफर के गाइस ठीक है। अब जानते हैं इसकी प्राइसिंग है। फर्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बता दूं, मार्केटिंग बाय न्यू दिल्ली, मैन्युफैक्चर इन दुबई, इंपोर्टेड बिस्किट लाए गए ठीक है। स्पेशली अब ये जगह में देखोगे ना इधर भी आके हम इंपोर्टेड बिस्किट के रिव्यू करते हैं ठीक है। अब जानते हैं इसके ये प्योर वेज बिस्किट, पहले देखना है तो कोई भी अगर दूसरे कंट्री के भी रहने सेम प्योर वेज है ठीक है। अब जानते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट इंग्रेडिएंट अनबॉक्स करने से पहले, तो फ्रेंड्स मैं एक बार न्यूट्रिशन कंटेंट बता दूं आपको, फिर इनसे पूछता हूं इसमें इंग्रेडिएंट क्या है ठीक है। फर्स्ट मैं अपना न्यूट्रिशन कंटेंट बताता हूं ठीक है, इसमें क्या है आपको मिलता है, इसमें एनर्जी 467 ग्राम, प्रोटीन मिला आपको 7.3, कार्बोहाइड्रेट मिला आपको इसमें 58, शुगर मिला आपको 42, टोटल फैट मिलता आपको इसमें 22। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट, अब इनसे पूछता हूं इनमें इंग्रेडिएंट क्या है ठीक है। इंग्रेडिएंट है मैंने बिस्किट, चॉकलेट, नट्स, मिल्क, ओके मिल्क, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो ऐड किएंगे वेनिला फ्लेवर चॉकलेट जो वेनिला ऐड किएंगे ठीक है, और आपको मिलता है इसमें वेफ ओके रिफाइंड अविफ्लान की मैदा, मैदा यूज करते हैं इसमें, क्या आटा तो यूज नहीं करेंगे ना ठीक है। अब मुझे इसमें आयोडीन सॉल्ट और मेन बिस्किट कंटेंट में आने का वीट ससमे ऑयल डाला गया इसमें, क्योंकि जो भी नेस्ले की ब्रांड के आने किटकैट के एक्चुअली बनाए हो उसमें सब में ससमे ऑयल है ठीक है। आप मुझे इसमें सोए एंड नट्स, अब ये कौन से नट्स है इसमें समझ नहीं आ रहा है ठीक है। अब इसको खोल के देख लेते हैं अंदर से, अंदर से हमारे वेफर प्राइसिंग बता दूं 170 रुपीज की प्राइसिंग है, तो देखने जाए तो प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट है ना सारे हाई रहते हैं ठीक है। अब मैं नहीं खोलता, दिस दूसरे को देते हैं इनको अनबॉक्स करने के लिए। थैंक्स, वाओ तो देखिए एक्चुअली गाइस इसमें है ना ये पूरा गोल्ड कलर का रैपिंग दिया हुआ अंदर से ठीक है, ये पूरा गोल्ड कलर का रैपिंग दे अंदर से ठीक है, एकदम बोलते तो प्रीमियम जैसा। अभी जब देखते हैं ना डेयरी मिल्क जो आता था ना पहले सिल्क, सिल्क में अभी भी आता है ठीक है, वो लोग भी ऐसे सेम रैपिंग करते हैं, ये लोग किटकैट में भी कह रहे हैं ठीक है। अब इसको खोल के देख लेते हैं, तो देखिए अंदर से ऐसे दिखते हैं हमारे किटकैट्स, बोलते नॉर्मली उसका वेफर कितने सारे पीस मिलते हैं एक बार काउंट के बाद बताओ ठीक है आपको ठीक है। इसको तो इसके अंदर रखते हैं क्योंकि थोड़ा है ना सिल्की सिल्की है ठीक है। अभी काउंट करते कितने पीस मिलते हैं आपको इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पीसेस मिलते हैं ठीक है।
170 rupees के प्राइसिंग हिसाब देख दिया तो वर्थ इट लगता है, क्योंकि एक्चुअली ये लोग फ्लेवर जो रखते हैं ना, अब मुझे पता नहीं, इसके हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो कैरेमल वाला था ये, नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं ना, पर प्रीमियम वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है पता नहीं, अब इसको एक एक देते हैं, ठीक है, उनको उसका फर्स्ट लेते स्मेल, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे हैं एक्चुअली चॉकलेट है। अब खा के दे उनको, खा फर्स्ट खिला के देखते हैं उनका रिव्यू क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ इसको अंदर से क्या दिखता है, एक्चुअली है ना वेफर का, फर्स्ट अंदर से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ अंदर से क्या दिखना है, वेफर पूरा डार्क चॉकलेट भरे हुए अंदर के, ठीक है। अभी जैसे नॉर्मल देखने जाते हो वेफर सारे किटकैट के, अंदर थोड़े व्हाइट रहते हैं, क्योंकि अंदर के वेफर है ना प्योर व्हाइट रहते हैं। ये लोग अंदर भी चॉकलेट भर भर के डाले हुए, प्योर भर भर के डाले होंगे, ठीक है, चॉकलेट। अब काम करते हैं इसको लेते हैं अभी टेस्ट करके, फिर बता इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात इसका एक्चुअल टेस्ट करता हूँ, वो तो देखने जाते हो नॉर्मली किटकैट, नॉर्मली किटकैट से वो 10 गुना सच में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल किटकैट देखने जाता हूँ, आपको जस्ट आपको फ्लेवर मिलेगा थोड़ा क्रंची रहता है वो जाना खाने में, ये है ना थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा सिल्की जैसा फ्लेवर रहता है ना। नॉर्मल किटकैट देखने जाते पूरा क्रंच, थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा मोटा है साइज में, और थोड़ा इसमें खाने में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल फ्लेवर जैसा आता है ना वैसा है, ठीक है। शुगर इसमें बहुत ज्यादा ही हाई रखते हैं, ठीक है। अभी देखने जाते हो नॉर्मली कोई भी चॉकलेट बिस्किट या फिर वेफर, नॉर्मल वेफर उनमें थोड़ा लेवल कम रहता है, ये बहुत ही ज्यादा इसमें शुगर डालते हैं। और एक तो आप नॉर्मली वेफर देखने जाते हो आपको पता नहीं चलता कि प्राइस बहुत हाई रहता है, नॉर्मल वेफर्स ओनली 50 rupees एंड ये 170 rupees के रहते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो तो ये भी 170 rupees के रहते हैं, ठीक है। अब काम करते हैं इससे शो करता है मेरा एक्सपेरिमेंट, आप पता है ना, कमेंट करना शो करता है मेरा एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट्स। अब शो करता है मेरा एक्सपेरिमेंट, आप पता है ना, कमेंट करना शो करता है मेरा एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट या वेफर बोल सकते हैं इसको, पानी ग्लास पानी पकड़ के रख, नहीं कोई पता नहीं, पटका पटका मुख्य, ठीक है। अब आप सोच रहे हो एक्चुअली इसका आप लैंग्वेज समझ रहे हो, पीछे से आपको माइक में आवाज आ रहा है, ठीक है, वो आप समझ के जाओ कि ये एक्चुअली कौन सा प्लेस है, आपको पता चल गया होगा ये कौन सा प्लेस है, ठीक है। एक बार कमेंट के बाद होगा, ठीक है, जिसने भी करेक्ट गेस किया उसका नाम लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसका काउंट करते स्ट्रेंथ 10 सेकंड के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वेफर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 पहले तो एक तो बात बोला जो मैं, पूरा सिल्की है, पूरा बोलते नॉर्मल देखने जाए तो सारे रहते हैं अलग अलग, ये पूरा सिल्की सिल्की, एक तो इसके अंदर पानी जाता भी नहीं क्योंकि पूरा कट कवर रहता है ना इसके अंदर से, पूरा वेफर है ना तो जाने का उतना चांस ही नहीं है, बबल तो आप छोड़ ही देंगे, ठीक है। अब सेम मुझे आता तो लग ही रहा है कि सेम फ्लेवर रहेगा, फिर भी खा के देख लेते हैं। अब मैंने अभी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इन सबसे टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हाँ क्रंच क्रंच थोड़ा काली हाँ इसको भी क्रंच कर, टेस्ट बोलो कैसा, सेम है टेस्ट, सेम सेम आफ्टर वाटर बोलते बोलते ज्यादातर बोल रहे हैं कि सेम है, ठीक है। अब मैं खा लेता हूँ, प्योर सेम ठीक है। अब मैं टेस्ट करता हूँ नेस्ले ब्रांड के साथ किट कैट चॉकलेट, इसका थोड़ा नाम थोड़ा लंबा है, इसलिए बता दो रिच चॉकलेट, ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं, रिच चॉकलेट कोटेड वेफर है, इसलिए खाने में जबरदस्त है। अब बोलते हैं इसको मैं जाए नजदीक शॉप में आपको मिल सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेड बिस्किट है ना, ठीक है, आपको इंडिया मिलेंगे मिलेंगे भर भर के मिलेंगे। फिर मैं बोलता हूँ आप जाइए एक बार लेकर आइए, आप बोल सकते हो स्कूल जाए बच्चों को बोल सकते हो, ये पूरा बोलते प्रीमियम चॉकलेट है, प्योरली प्रीमियम चॉकलेट है, ठीक है, इसको रिकमेंड कर सकता हूँ मैं
पूरा एक वन स्टिक या फिर टू स्टिक, ठीक है। सो अब मैं अभी इसका जो बनाया मैं बिस्किट करी हूँ, आज अगर मॉर्निंग शॉप पर्टिकुलर यूट्यूब पे देख जाना एवरीडे एवरी टाइम अदगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिस्क्यूट बॉक्स। సబ్ టైటిల్ మళ్ళీ తీసుకుంటుందా? యాడ్ చేసి తీసుకోదు కదా, మనం అందరం గ్రూప్ చూద్దాం పట్టు. నువ్వు నేను తీసుకున్నా, ఇక్కడే తీసుకున్నా ఫోటో, అందరం ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నావు చూడు. ఇది ఇది మేము ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి కదా. ఓం నమః శివాయ, ధర్మసనం పోయినా ఎక్కడ? ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పోయినా. ఈ నుంచి కర్ణాటక అది కూడా బాగా బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అన్నం ఎంత స్పీడ్గా పెట్టేస్తారు వాళ్ళు, అట్టపట్టడం కూడా వచ్చేస్తారు. సప్ 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 పెట్టుకుంటా పోతారు, లక్ష్మి మిషన్లు పెట్టినట్టే కలవాట. ఇది కూర్చోమ్మా, కూర్చో, నేనే చెప్పిన సినిమాటిక్లేనా. Hey.